माजरत चाहता हूँ बेटा, यूँ बगैर बताए बगैर पूछे मुंह उठाकर चला आया। अंकल, रूहान ने कुछ कहा है आपसे? हाँ कहा है, मगर जुबान से नहीं, फिर आंखों में एक दास्तान लिखी हुई है। बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मेरी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट पर शायद आपको एतराज़ हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी और रूहान की शादी के बाद मैं आप दोनों से दूर चला जाऊँगा ताकि आप लोगों की प्राइवेसी मुतासर ना हो। आप समझ गए ना बेटा? कहने को थोड़ी अजीब सी बात है। आपको पता है मेरे मामू ने भी बचपन से मुझे स्वीटी कहकर बुलाया है। इतने कम टाइम में इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत से इतनी बार बेटी किसी ने नहीं कहा। हाँ तो आप रूहान की जिंदगी में उसके पार्टनर और मेरी बेटी बनकर तो आई हैं, है ना? जी हाँ। और देखिएगा, अगर आपको आपकी बेटी पे पूरा यकीन है तो इंशाल्लाह हम मिलकर ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। यही सुनना चाहता था। मामा, मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया था, वो खुद यहाँ आए थे और मैंने आपको बताया था इस बारे में। इतनी सी बात से मामू से कहकर आपने ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स करवा ली। मां, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज। मामा, आपसे बात कर रही हूँ। मामा, आर यू इवन लिसनिंग टू मी? मां, ये आपका आखिरी फेस्ट है। ओके, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरी और रूहान की शादी आपके बगैर हो सकती है। वैसे भी ये तो हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है ना मामा, बड़ों बुजुर्गों की दुआओं के बगैर, जैसे आपने बाबा से शादी की थी। ठीक है, कर लो शादी, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक पे तुम्हारी माँ खड़ी है, जिसे तन तनहा जमाने के दुख झेल कर तुम्हें पाला, और दूसरी तरफ तुम्हारे बाप का कातिल। फैसला तुम्हारा। व्हाट इज दिस यार? हमने तय किया था ना, चाहे कितना भी बड़ा मसला हो लेकिन हम लोग कभी कम्युनिकेशन नहीं तोड़ेंगे, बात करते रहेंगे। तुम एक हफ्ते से गायब हो, ना मुझसे बात कर रही हो, ना फोन पे, ना, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। जब मंजिल एक नहीं तो हम सफरी का क्या फायदा? सिन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? क्या कहना चाह रही हो? रूहान, मैं और मामा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वही जिंदगी से दूर चले जाओ। इसे तुम जानती भी हो क्या कह रहे हो? सब मैं ऐसे कैसे तुम्हारी? देखो रूहान, मैं ना तुमसे मिलना चाहती थी ना तुमसे बात करना चाहती थी। कल हमारी वापसी की फ्लाइट है, मैं चाहती तो तुम्हें हर जगह से ब्लॉक करके बिना कुछ बताए जा सकती थी, पर मैंने ज़रूरी समझा कि एक आखिरी बार मिलके मैं तुमसे बात कर लूँ एज ए कर्टसी। कर्टसी? वाओ मैन, थैंक यू यार। मतलब सच में तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आई डोंट नो। रूहान, स्लो डाउन, at least don't create a scene here. मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। रूहान, लोग देख रहे हैं। अच्छा है,
तो तमाशा लग ही रहा है, तो सबको खोल के देख ले। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, नॉर्मली आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में प्रपोजल्स देखे होंगे, लड़का लड़की एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं, पर यहाँ कुछ अलग है। ये मिली इनसे, ये इस दुनिया की सबसे बेहिस लड़की है। सालों का रिश्ता, बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए तोड़ के मुझे छोड़ के जा रही। प्लीज तालियां बजाइए इनके लिए। वेल डन मैन। I knew it was a bad idea. I wish मैं माँ की बात सुन लेती और तुमसे बात करने ही ना आती। अपनी जुबानी हर चेहरा है।